विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच झगड़ा चल रहा है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे न्यूज वाले भाई रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो मैं आपको बताऊंगा और खुलासा करूंगा कि जितने न्यूज चैनल वाले हैं ना सब व्यूज के लिए यहाँ पे भाई विराट कोहली का नाम लेके हार्दिक पांड्या का नाम लेके अपने चैनल का व्यूज बढ़ा रहे हैं और दोनों में हेट फैला रहे हैं। यहाँ पे हुआ एक्चुअली ये था कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेकंड ओडीआई मैच के दौरान जब हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया था ना तो उस टाइम पे हार्दिक पांड्या सेलिब्रेट करते हुए आ रहा था, तो विराट कोहली यहाँ पे जैसे होता है ना भाई सेलिब्रेट करने के बाद गले लगा रहा, तो विराट कोहली ने बोला कि भाई ठीक है गले लगते हैं, बट हार्दिक पांड्या ने उतना ध्यान नहीं दिया और हार्दिक पांड्या भाई जश्न के मूड में इतना मतलब हो गया था कि वो देखा ही नहीं कि सामने विराट कोहली या फिर कौन है यहाँ पे, वो मतलब अपना ही यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक्चुअल में होता भी है जब प्लेयर मतलब विकेट मिलता है प्लेयर को तो वो एक्चुअल में खुद ही सेलिब्रेट इतना ज़्यादा करता है कि वो देखते नहीं कौन सा प्लेयर उसको गले लगा रहा है फिर ऐसा कुछ। तो उसी बीच में क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या का जो एक हाथ है वो विराट कोहली के कैप पे लग के थोड़ा सा उसका विराट कोहली का कैप मतलब ऊपर उड़ गया। उसके बाद भाई यहाँ पे जो विराट कोहली है वो भी थोड़ा शॉक हो गए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कि विराट कोहली को ऐसा मतलब डिसरिस्पेक्ट लगा कि भाई हार्दिक पांड्या मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा होने से भाई यहाँ पे विराट कोहली हार्दिक पांड्या दोनों साथ में तो वीडियो बनाते ही नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे ना फ्यूचर की मतलब फ्यूचर की तो बात छोड़ो यहाँ पे पास्ट में देखोगे तो दोनों प्लेयर्स ने इतने सारे वीडियोस जो टिकटॉक वीडियोस होते हैं उसके बाद रील्स वीडियोस होते हैं वो खुद बहुत सारे मतलब वीडियोस साथ में बनाए हैं और पूरा फन करते हैं यार दोनों यहाँ पे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। तो ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले भाई चला रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली का डिसरिस्पेक्ट किया, हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के कैप को नीचे गिरा दिया, हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली को गले नहीं लगाया, भाई यहाँ पे ये सब यहाँ पे व्यूज़ बटोरने के काम कर रहे हैं और हेटरेट फैला रहे हैं। मैंने बहुत सारे कॉमेंट सेक्शन में देखा कि यहाँ पे सब अभी हार्दिक पांड्या को हेट करने लगे कि हार्दिक पांड्या में अकड़ आ गई है, हार्दिक पांड्या ऐसा हो गया, हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मिलने के बाद हार्दिक पांड्या किसी प्लेयर को भाव नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। इवन अब विराट कोहली एक इंटरव्यू में भी यहाँ पे कहा था कुछ सालों पहले कि वो हार्दिक पांड्या मतलब देखो ऊपर से दिखने में वो जैसा भी हो थोड़ा हार्श हो हार्ड हो या फिर गाली गलौज देता हो उसके मन में कुछ भी हो बट वो दिल का बहुत साफ है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात विराट कोहली ने खुद ही बोली थी इंटरव्यू के दौरान। अगर आपको क्लिप चाहिए तो मैं क्लिप दे दूंगा बट कॉपीराइट्स आ सकते हैं, बट फिर मैं क्लिप शेयर कर दूंगा ठीक है उसको डब करके यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे डब मतलब ऐसे नॉर्मल क्लिप डाल दूंगा उसके ऊपर मतलब लिख दूंगा यहाँ पे जिसका जो वीडियो रहेगा उसमें, बट वो इंटरव्यू में दिखाऊंगा उसमें विराट कोहली ने खुद ही बोला था कि भाई हार्दिक पांड्या दिल के बहुत साफ है, उसके मन में कोई बात नहीं रहती है एंड कुछ भी होता है भाई दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते मतलब तुरंत ही। तो यहाँ पे जितने भी न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पे हेटरेट फैला रहे हो भाई यहाँ पे विराट कोहली हार्दिक पांड्या को लेके उन सबसे मेरा एक कहना है कि भाई प्लीज़ ये सब बंद करो, यहाँ पे एक प्लेयर के नाम पे आप यहाँ पे जो व्यूज़ बटोरने का काम करते हो और हार्दिक पांड्या के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो वो फ्यूचर में जाके भाई उसको ही यहाँ पे खड़ा करिए। सिंपली सी बात यह है कि अभी देखो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यहाँ पे जो स्क्वाड अनाउंस हो गई है उसमें यहाँ पे जो हार्दिक पांड्या T20 के कैप्टन है ठीक है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मतलब पूरी तरह से दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पिछले मैचेस में भी हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी, उससे पिछले मैचेस में बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी न्यूजीलैंड के दौरान। तो भाई यहाँ पे हार्दिक पांड्या के बारे में ऐसे हेटरेट फैलाने से पहले आप थोड़ा सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर क्या मतलब उसका है भाई, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल दोगे यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ़ बना दोगे, पब्लिक तो भाई मतलब भरोसा कर लेगी क्योंकि पब्लिक भाई भोले होते हैं यहाँ पे, कुछ भी बोल दो वो भरोसा कर लेती है, ना सर्च करते ना रिसर्च करते कुछ नहीं, बहुत सारे लोग भरोसा कर लेते, उससे क्या होता है प्लेयर का इमेज खराब होता है। और वो जो गाली देने वाली बात मतलब थी फील्ड पे तो भाई यहाँ पे सारे प्लेयर्स ही गाली देते, एक टाइम पे विराट कोहली भी गाली देते थे, हर एक प्लेयर गाली देता है यार, यहाँ पे इंसान है इंसान ही गाली देते हैं यहाँ पे, और उस गाली को अगर आप इतना मतलब मन में बैठा के रख लोगे तो भाई चीज़ें बहुत खराब हो जाएगी। नॉर्मल फ्रेंड सर्कल्स में लाइफ में जिसके साथ आप ज़्यादा क्लोज होते हो चलता है इतना ठीक है। तो विराट कोहली हार्दिक पांड्या के बीच में कुछ झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, वो सेलिब्रेशन के टाइम में उसके कैप पे लग गया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली को, इवन विराट कोहली उस दिन मैच खत्म होने के बाद भाई डांस भी किया था जो ईशान किशन है उसके साथ। अब बताओ यहाँ पे विराट कोहली को बुरा लगता तो विराट कोहली साइड में कोने में जाकर बैठ जाता ना भाई कि हार्दिक पांड्या ने मेरे साथ ऐसा किया, तो नहीं किया ना यार। तो ये जितने भी यहाँ पे जितने भी न्यूज़ वाले या फिर जो भी व्यूज़ के लिए कर रहे हो ना बंद करो, ये विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भाई बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे पहले भी अभी भी है और हमेशा रहेंगे फ्यूचर में भी, चाहे विराट कोहली के पास कैप्टनसी नहीं हो अभी बट हार्दिक पांड्या भाई विराट कोहली से ही यहाँ पे लेने आते मेंटरशिप, पूछते हैं कोई डिसीजन लेना हो कोई बड़ा डिसीजन लेना हो मैच के दौरान, तो इतना मत वो करो भाई कि हार्दिक पांड्या विराट कोहली में झगड़ा लग गया।